आरएनडी विद कीवी और मैं हूँ दीपा। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ पतंजलि रोज वाटर का रिव्यू, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है और मैं आप सबको भी रिकमेंड करूँगी इसको यूज़ करना। बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, इसकी 120 ml की पैकेजिंग आपको आती है 28 rupees की, जो कि बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है, हर कोई इसको अफोर्ड कर सकता है, बिल्कुल भी कॉस्टली नहीं है। और सबसे अच्छी बात जो मुझे इसकी लगती है कि इसके जो इन्ग्रीडियंट्स है उसमें और कुछ भी नहीं है, सिर्फ रोज़ वाटर है इसमें। यहाँ पे पीछे इसके इंग्रेडिएंट्स मेंशन है, जिसमें कि लिखा हुआ है कि इसके 10 ml में सिर्फ एक्वेस डिस्टिलेट ऑफ रोज़ पेटल्स हैं और कुछ भी नहीं। तो इसकी जो प्योरिटी है उसने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया। दूसरी बात है इसकी कॉस्ट, जो कि बहुत ज़्यादा कम है। शेल्फ लाइफ है इसकी 2 साल, जो कि अच्छा शेल्फ लाइफ है, इतने टाइम में आप आराम से इतना प्रोडक्ट ख़त्म कर सकते हैं। और ये एक प्लास्टिक बॉटल में आता है। इसकी एक ही चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगी, वो है इसकी पैकेजिंग। ये एक जो प्लास्टिक बॉटल में आता है, इस तरीके की बॉटल में आता है, ऐसा एक कैप होता है और इसको इस्तेमाल करने के लिए, प्रोडक्ट को निकालने के लिए इस तरीके का ये कैप आपको यहाँ से ओपन करना होता है, या फिर आप चाहें तो इसमें एक होल भी कर सकते हैं और फिर आप प्रोडक्ट डिस्पेंस कर सकते हैं। पर मैं इसको अपने दूसरे स्प्रे बॉटल में ट्रांसफ़र करती हूँ और फिर इसको यूज़ करती हूँ। तो अगर इसको एक स्प्रे बॉटल में इन्होंने दिया होता तो वो मेरे लिए ज़्यादा अच्छा होता। बट येस, जो इसकी प्राइस है उसके लिए ये किसी भी पैकेजिंग में देंगे तो भी मुझे चलेगा, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। इस प्रोडक्ट की और एक अच्छी बात ये है कि ये एक मेड इन भारत प्रोडक्ट है, यानी कि ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, वो भी मुझे बहुत अच्छी लगी। और इसकी जो स्मेल है वो बिल्कुल माइल्ड रोज़ेस की तरह है, कोई हार्श स्मेल नहीं है, कोई आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस नहीं है, बिल्कुल जो माइल्ड जो स्मेल होती है रोज़ेस की, वैसी ही इसकी स्मेल है। रोज़ वाटर को आप एक फेशियल मिस्ट की तरह यूज़ कर सकते हैं, और मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है रोज़ वाटर को एज अ टोनर यूज़ करना और एज अ फेशियल मिस्ट यूज़ करना। इसको आप अपने अलग अलग फेस पैक्स में और स्क्रब में भी ऐड कर सकते हैं, और भी दूसरे DIYs हैं, जैसे कि मैं इसको अपने बॉडी लोशन में भी ऐड करती हूँ। उसकी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर किया, अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो ज़रूर देखिए, उसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। और इसका जो फेवरेट मेरा यूज़ है वो है टोनर। अगर आप अब तक टोनर यूज़ नहीं कर रहे हैं तो मैं आपको रेकमेंड करूँगी ये प्रोडक्ट, ये बहुत ही सस्ता है तो आप इसको आसानी से अफोर्ड कर पाएंगे। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, और मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको यूज़फुल लगी होगी। तो प्लीज़ इसको करिए लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब, ताकि आप आगे भी ऐसे वीडियोज़ देख सकें। मैं जल्द आपको मिलूंगी अपने एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लविंग योर सेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।